Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. इस पूरे एक्ट को 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर ये 10 पार्ट्स यहां पर शो किए गए हैं। 11 पार्ट्स को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मेंशन किया गया है। दिस इज पार्ट 5, डिजिटल सिग्नेचर बेनिफिट्स एंड यूज। डिजिटल सिग्नेचर का क्या बेनिफिट है और हम इसको कहां पर यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, जस्ट लुक एट दिस इमेज। Here we are representing that this is an example of digital signature. Digital signature serves the purpose of handwritten signature of a person on a document. जिस तरह से एक paper based document को authenticate करने के लिए एक व्यक्ति अपने handwritten signature कर देता है, उसी तरह से हम electronic document को authenticate करने के लिए कि ये document किस व्यक्ति ने issue किया है, हम उसके लिए digital signature यूज करते हैं। इट शुड बी डिफिकल्ट इवन फॉर द सेंडर टू फोर्ज एंड डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर पेन से साइन किए गए हैं, ये तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो थोड़े से एफर्ट करे तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर ऐसे हैं कि इनको फोर्ज नहीं किया जा सकता। इवन सेंडर भी अगर इसको फोर्ज करना चाहे, सेंडर भी डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता और रिसीवर टू रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। डिजिटल सिग्नेचर इज सेफर देन हैंड रिटन सिग्नेचर एज इट कांट बी फोर्ज। हैंड रिटन सिग्नेचर को फोर्ज किया जा सकता है, जाली सिग्नेचर बनाए जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर को फोर्ज करना बहुत ही मुश्किल काम है। If a contract is signed by the parties on the last page, there is no way to find whether other pages have been tampered with or not. अगर पेपर बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट 4-5 पेज का है, मान लीजिए पेपर बेस्ड कोई कॉन्ट्रैक्ट है 4-5 पेज का है और पार्टीज ने सिर्फ लास्ट पेज के ऊपर ही साइन किए, बीच में से किसी भी पेज को कोई पार्टी चाहे तो चेंज कर सकती है। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं, अगर वहां पर एक अल्फाबेट भी चेंज किया जाएगा, एक करेक्टर भी चेंज किया जाएगा, तो भी पता चल जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को अल्टर किया गया है, चेंज किया गया है। बट डिजिटल सिग्नेचर ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट विल इंश्योर दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज इंटैक्ट एंड नॉट इवन ए सिंगल करेक्टर इज चेंज। जिस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगे हैं, वो इस बात को इंश्योर करता है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट है, अनटच्ड है, इसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया गया। अगर एक सिंगल करेक्टर भी चेंज किया जाएगा तो भी वो पता चल जाएगा, हम इसके अंदर एक सिंगल करेक्टर को भी चेंज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। यहां पर मैं आपके सामने इसके 4 मेन बेनिफिट्स बतलाऊंगा। डेटा इंटीग्रिटी, सेकेंड इज ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द थर्ड वन रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड टाइम, द फोर्थ वन एक्सपीडाइट बिजनेस प्रोसेसेस। ये डिजिटल सिग्नेचर के 4 मेन बेनिफिट्स हैं। मैं इन चारों बेनिफिट्स को आपके सामने एक एक करके टेकअप कर रहा हूं। डेटा इंटीग्रिटी, वंस डॉक्यूमेंट्स आर साइन डिजिटली दे कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और एडिटेड आफ्टर साइनिंग, which makes the data or document totally secure. Data integrity का मतलब यह है कि data के अंदर सच्चाई है। जो data लिखा गया था document के अंदर, जो document के अंदर content दिए गए थे, उनको change नहीं किया गया, उनको alter नहीं किया गया, उनको edit नहीं किया गया। It means ये सारा document बिल्कुल सच है, तभी हम इसको नाम देते हैं data integrity। Document के अंदर जो चीजें mention कर दी गई हैं, उनको अब चेंज या एडिट नहीं किया जा सकता, ये डॉक्यूमेंट टोटली सिक्योर बन गया। ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट किस व्यक्ति ने साइन किया है,
Digitally signed documents give confidence to the receiver of the document to be assured of the signer's authenticity. जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट भेजा है ये सिग्नेचर उसी के ही है, उसके अलावा किसी और के सिग्नेचर नहीं है। जिस व्यक्ति के सिग्नेचर लगे हैं ये डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति को बिलोंग करता है, ये और किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है। सो इससे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, सच्चाई प्रमाणित हो जाती है। इवन साइनर कैन नॉट रिफ्यूज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न ऑन डिजिटल डॉक्यूमेंट लेटर ऑन। साइनर, जिस व्यक्ति ने डिजिटल सिग्नेचर किए हैं, इवन अगर वो भी चाहे डिनाई करना कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, तो जिस व्यक्ति ने डिजिटल सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर किए हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी कि ये साइन उसी ने किए हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर प्रूव करते हैं कि ये जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट भेजा है ये सिग्नेचर उसी के ही है। साइनर कैन नॉट रिफ्यूज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न ऑन डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है साइनर उसके ऊपर से अपनी जिम्मेदारी को हटा नहीं सकता। लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सच साइन डॉक्यूमेंट्स। जब एक व्यक्ति ने डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जा सकता है विदाउट गेटिंग वरीड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स बीइंग फोर्ज। अब हमें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि यह डॉक्यूमेंट फोर्ज है या कैसा है, यह डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है और कोर्ट इसे एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करेगी। मोरओवर नाउ द कोर्ट ट्रीट्स डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स एट पार विद पेपर बेस्ड एविडेंसेस। जिस तरह से पहले कोर्ट पेपर बेस्ड एविडेंसेस को टेकअप करती थी, उसी तरह से कोर्ट अब डिजिटली साइंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। इंस्टेड ऑफ साइनिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड स्कैन देम टू सेंड वाया ईमेल, पहले मैं एक पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करूं, उसके बाद मैं उसे स्कैन करूं और उसे फिर मैं मेल पे भेजूं। इससे तो बेहतर है वन कैन डिजिटली साइन देम एंड सेंड देम मच मोर क्विकली एंड इजिली। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को बिना स्कैन किए हुए उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करें और उसको डायरेक्टली भेज दें। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। दिस सेव्स द टाइम एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट। अब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना और उसको स्कैन भी नहीं करना। एक्सपीडाइट बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस के प्रोसेसेस के अंदर तेजी ले आएगा। द ट्रस्ट लेवल जनरेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट असिस्ट इन एक्सपीडाइटिंग द अदर बिजनेस प्रोसेसेस टू हायर स्केल। हम जानते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं उसको भेजने वाला डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं भेजा या मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो रिसीवर को एक ट्रस्ट फैक्टर मिल गया कि ये डॉक्यूमेंट जिससे आया है ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है और इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। जब हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है तो इससे हमारे बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर तेजी आ जाती है, हमारे काम करने के तरीके के अंदर तेजी आ जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर कैन यू यूज डिजिटल सिग्नेचर। आप इन डिजिटल सिग्नेचर को कहां पर यूज कर सकते हैं। हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। गुड्स की इलेक्ट्रॉनिकली बिडिंग करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट मेल के थ्रू भेजा है तो उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। अगर हमें इंडियन रेलवे से कोई टिकट की बुकिंग करवानी है तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर को यूज किया जा सकता है। ई प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट साइट से हमें कुछ चीजों को परचेस करना है, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सिमिलरली MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने यह कंपल्सरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट MCA को भेजा जाएगा बाय द क्लाइंट्स, चाहे ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर भेजे गए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर डिजिटली साइन होने चाहिए। ई टेंडरिंग, इलेक्ट्रॉनिकली किसी टेंडर के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाना जरूरी है। एंड द लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज इनकम टैक्स ई फाइलिंग। आज की डेट के अंदर अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का होना जरूरी है।
इस केस के अंदर आप नोट करेंगे, अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होंगे, अदरवाइज इसके बिना इनकम टैक्स अथॉरिटीज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। नाउ इन ऑर्डर टू यूज डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी ए पर्सन मस्ट ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। हमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं। हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट के अंदर 15 लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं। मैं यहां पर आपको 2 सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के नाम दे रहा हूं, सेफ स्क्रिप्ट एंड ई मुद्रा। इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ए लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन इशू डिजिटल सिग्नेचर। स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगा और उन्हें एक लाइसेंस इशू कर देगा कि तुम डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हो। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज पब्लिक को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेंगी। ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक लाइसेंस दिया कि यह सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पब्लिक को इशू कर सकती है। द लिस्ट ऑफ लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अलॉन्ग विद देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इट इज अवेलेबल ऑन MCA पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर पोर्टल के ऊपर आपको यह इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्टूडेंट ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, डिजिटल सिग्नेचर के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं समझता हूं कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट को ये चीज पता होनी चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा क्या होगा ये भी बात उसे पता होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपकी नॉलेज रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इट मस्ट हैव इम्प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।